हनुमान जी के हृदय में बसते हैं भगवान। मेरे लिए उस वस्तु का कोई मोल नहीं जिसमें मेरे प्रभु का वास ना हो। कुछ ऐसा कहकर हनुमान जी के आंखों से आंसू आ गए। यह बात उस समय की है जब अयोध्या में श्री राम की वापसी और राजा के रूप में उनके अभिषेक उपरांत आनंदमय उत्सव मनाया जा रहा था और उत्सव में युद्ध के दौरान सेवा करने वाले सभी वानरों को उपहार दिया जा रहा था। एक तरफ विभीषण और बाकी के ज्ञानी बैठे थे एवं दूसरी तरफ सुग्रीव और उनकी वानर सेना बैठी थी। हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे थे। श्री राम अपने प्रिय भक्त हनुमान जी से पूछते हैं कि हे प्रिय हनुमान, मैं आपको भेंट स्वरूप क्या दूं? तब हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, आपकी सेवा के अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। तब सीता माता ने अपने हनुमान सुत को प्रेम पूर्वक एक सुंदर मोतियों से जड़ी माला अपने गले से निकाल कर भेंट स्वरूप दी। माला मिलने के बाद हनुमान जी ने उसे गौर से देखा और देखते देखते कुछ दूर गए, मानो हनुमान जी उसमें कुछ ढूंढ रहे हों, और फिर माला के एक एक मोती को तोड़ते और उसको देखकर फेंक देते। भगवान श्री राम को छोड़कर हनुमान जी के ऐसे व्यवहार से सब आश्चर्यचकित थे और विभीषण जी तो मानो गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं, क्योंकि विभीषण जी ने ही वह माला पूर्व में श्री राम को भेंट की थी और श्री राम ने माता सीता को, जिसके उपरांत माता सीता ने हनुमान जी को। तब विभीषण जी द्वारा हनुमान जी से पूछा गया कि आप माता सीता द्वारा दिए गए उपहार के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। जिसके उत्तर में हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के प्रेम के वशीभूत होकर कहा कि मेरे लिए हर वस्तु व्यर्थ है जिसमें प्रभु श्री राम का नाम ना हो। कोई वस्तु बिना श्री राम के नाम के बिना मूल्यवान हो ही नहीं सकती है, अतः ऐसी वस्तुओं का तत्क्षण त्याग देना चाहिए। जिसे सुनके विभीषण जी बोले कि आपके शरीर में भी तो श्री राम का नाम नहीं है, तो क्या इस शरीर को त्याग देंगे? तब हनुमान जी ने अश्रुपूर्ण नयन से श्री राम की ओर देखा और अपने नाखूनों से अपने सीने को फाड़ दिया, जिसे देख सब हनुमान जी की भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए, क्योंकि उनके सीने में भगवान श्री राम एवं माता सीता की छवि विराजमान थी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।